साहब थे, उनका विकास किया हुआ चीज लोग उनको रिपेयरिंग नहीं करा रहे हैं। 15 साल के अंदर में इंडोर स्टेडियम का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। विकास की तो दूर की बात कीजिए। और यही देखिए ढाला जो समस्या जो बना रहता है, दुर्भाग्य है। यहाँ के दोनों एमपी यहाँ के यानी हम ही लोग के प्रखंड के थे और बाहरी थे। एकदम आएगा 15 साल पहले वाला रौनक आएगा। इसी बात पे ना जितने भी छोटे बड़े तबके के सारे लोग हैं, सारे लोग मैडम के साथ हैं, इसी उम्मीद में कि 15 साल पहले जो था 15 साल से गायब है उसको आने की उम्मीद फिर दिखाई दी है और निश्चित रूप से आएगी। देखिए टिकट पर तो हम लोग कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। जिस चीज से है निर्दलीय है और हमको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट होने जा रहा है और सिर्फ सर्टिफिकेट के जरिए। आप देखिएगा उस दिन मैडम 1.5 लाख वोट से जीतेंगी, क्योंकि सारे रंग और सारे लोग, सारे बिरादरी के लोग, सारे धर्म के लोग उनके साथ। मैडम ने एक नारा दिया था, सब रंग अपने हैं और हर लोग उनके अपने हैं, हर बिरादरी के लोग उनके अपने हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं आशुतोष सिंह और हम अभी उपस्थित है हसनपुरा में। अभी देख सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है मतलब अपने अंतिम चरण पे है और यहाँ पे देख ले सिवान की जो राजनीति है मतलब बहुत गर्म। यहाँ पे देख ले तो निर्दलीय प्रत्याशी हिना मैडम मतलब कि यहाँ पे भी उनका काफिला गुजरा, उसी को हम लेकर बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। हसनपुरा में आकर जो कवरेज इतने धूप में आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं अभी मैडम का जो अभी काफिला गुजरा है मतलब कि बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे, क्या उम्मीद रखते हैं आप हिना मैडम से? मैडम ने एक नारा दिया था, सब रंग अपने हैं और हर लोग उनके अपने हैं, हर बिरादरी के लोग उनके अपने हैं। अभी देख ले तो अभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जब साहब थे वो हर मतलब कि हर चुनाव में 2-4-8 मतलब कि वोट टिकट बांट देते थे। देखिए टिकट पर तो हम लोग कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। जिस चीज से है निर्दलीय है और हमको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट होने जा रहा है और सिर्फ सर्टिफिकेट के जरिए। आप देखिएगा उस दिन मैडम 1.5 लाख वोट से जीतेंगी, क्योंकि सारे रंग और सारे लोग, सारे बिरादरी के लोग, सारे धर्म के लोग उनके साथ। और ये जो साहब थे उनको सिवान के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। 15 साल पहले जो विकास हुआ वो वास्तव में जो हुआ, लेकिन 15 सालों में क्या हुआ? देखिए साहब थे, उनका विकास किया हुआ चीज लोग उनको रिपेयरिंग नहीं करा रहे हैं। 15 साल के अंदर में इंडोर स्टेडियम का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। विकास की तो दूर की बात कीजिए। और यही देखिए ढाला जो समस्या जो बना रहता है, दुर्भाग्य है। यहाँ के दोनों एमपी यहाँ के यानी हम ही लोग के प्रखंड के थे और बाहरी थे। सिवान के लिए अगर वो कुछ करते हैं तो लगता कि नहीं कुछ के बारे में। मुझे यही कहना है कि हम सब लोग मैडम के साथ हैं, सारे धर्म सारे जाति के लोग मैडम के साथ हैं। अभी मैडम कुछ देर पहले यहाँ से गुजरी है, छैनपुर की तरफ गई है, सिसवा प्रखंड में आज उनका दौरा है और हम लोग बहुत ही उत्साह है, सारे लोगों में उत्साह है मैडम के साथ, सब लोग काम कर रहे हैं। मतलब जीत कितना परसेंट है कि फिक्स है? जीत का इस बार तो हम लोग को निश्चित ही उम्मीद है कि इस बार मैडम की जीत निश्चित है। विकास फिर होगा, एकदम आएगा, 15 साल पहले वाला रौनक आएगा। इसी बात पे ना जितने भी छोटे बड़े तबके के सारे लोग हैं, सारे लोग मैडम के साथ हैं, इसी उम्मीद में कि 15 साल पहले जो था 15 साल से गायब है उसको आने की उम्मीद फिर दिखाई दी है और निश्चित रूप से आएगी। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ के जनता का राय है कि 15 साल पहले जैसा विकास था वैसा ही सिवान में हो विकास। आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।